सब पता चल गया हमें ना, भाड़ा भी पता चल गया, बगल वाला का भी चल गया, अब बाकी सबका भी पता चल गया, समझ गया ना। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के मधुवापुर प्रखंड के दौरा का अचानक कार्यक्रम बनने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मंत्री के बसवरिया चौक पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जहां स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर भी मौजूद रहे। विधायक ने पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं का परिचय भी कराया। इस दौरान मंत्री ने मौजूद मनरेगा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सतीश कुमार की जमकर क्लास लिए और गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दिए। पुनः कार्यकर्ताओं से भेंटवार्ता के बाद प्रखंड में संचालित जीविका के कार्यों का अवलोकन किए। बलवा गांव पहुंचकर जीविका के तहत चल रहे मुर्गी पालन का निरीक्षण कर जानकारी हासिल किए। निरीक्षण के दौरान जीविका में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई, जहां मंत्री ने जीविका के VPM अनूप कुमार का जमकर क्लास लिया और कहा यह मिली भगत व गड़बड़ी नहीं चलेगा। मंत्री ने कर्मियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कई आवश्यक निर्देश भी दिए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आज मधुवापुर प्रखंड के बलवा में संचालित जीविका के कार्य का निरीक्षण किया हूं। यहां पर अधिकारियों की मनमानी सामने आई है। जीविका के अधिकारी मिली भगत कर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किया है, जिसकी जाँच किया हूँ। कुछ मामले तुरंत सामने आया है और विभाग की जाँच कर भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर विधायक सुधांशु शेखर, मुखिया प्रतिनिधि बेचन सहनी, अनिल साह, रामाशंकर पासवान, रोशन नायक, बादल गुप्ता, PO सतीश कुमार, जीविका VPM अनूप कुमार व शहरघाट थाना अध्यक्ष विजय कुमार पासवान समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। कहाँ घर है? काला काला जो है देसी है कि विदेशी है? अंडा से बच्चा बनाएंगे? नहीं सर, बच्चे आए हैं। बच्चा आया जी? कितना पैसा लगा? 3600 बच्चा मिला। विकलांग महिला को बुलाओ, महिला को बोलो, महिला को बुलाओ। ये संकुल का है? जी संकुल। इधर इधर संचालन मानी यहाँ पे, इधर आओ आगे। संकुल है, क्या नाम है? कितना दिन से चल रहा है? एक महीना से। 24 दिन के आसपास हो गया। ये मुर्गी का बच्चा जितना हो रहा है सब थोड़ा छोटा, तो 24 दिन पहले ला के दिए? 24 दिन। ये फॉर्म कब बना है? फॉर्म 2 दिन पहले का। इनका संचालन जो है ना, पहले से यहाँ पे काम कर रहे थे मुर्गी का, वो अपना मुर्गी का। अच्छा। वो अपना ला करके अपना बेचते उचते थे। उसके बाद हम लोग इनका विजिट किया कि देखिए हम लोग को दीदी लोगों के लिए मुर्गी पालन कराना है, कि आप अगर इसका एग्रीमेंट कराइएगा तो हम लोग जो है पालने के लिए आपको। आपको कितना पैसा चुप चौप हो, कितना बच्चा कितना मिला है बच्चा? 3600। कितना पैसा लिया गया तरह से? और आपको कितना मदद हुआ, पैसा कुछ दिया है लोगों ने? क्या दिया है आप बोलिए, वो नहीं बोला। दाना बच्चा सब कुछ सर यही लोग दिए। अब आपको कुछ पैसा दे दिया? नहीं, अभी नहीं पैसा नहीं दिया ना हम, मतलब तुम्हारा ये ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ पहले से है जी, तो इसका भाड़ा भी नहीं दे रहा है लोग? अभी नहीं पालन हो जाएगा। आप अपने बोलो, जो पूछेगा तब बोलेगा। इसमें मिले कहा है कि इसका ये फॉर्म है कि पहले से बना हुआ है हमारा फार्म, हम मुर्गी फार्म पहले से चलाते हैं। तो पहले वाला भी मुर्गी है कि नहीं? नहीं, पहले वाला खत्म हो गया। ये 3600 जो आया वही है? हाँ। तो इसमें आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा? नहीं, अभी नहीं मिला। 24 दिन में कोई एक को पैसा नहीं मिला? कहीं नहीं मिला जी? जी पूरा हम लोग जो 28 जो रखा गया है बाईस दिन में बच्चा को फिर भोजन के लिए भोजन तो वही ला कर दे रहा है।
भोजन तो वही ले। कहने का मतलब है इसको सिर्फ देखना है, देख रेख करना है, ये सारा इंतजाम इनको देख करना है। जीविका की दीदी है ना जी, तो इसको देख रेख करना है, इसको चलाना है, इसका सारा मुनाफा इसको मिलना है, उसको सिर्फ मिलना है क्या? और कोई जीविका की दीदी आती है देखने के लिए? और कोई आती है? कब आती है? दिन में कभी टाइम मिलती है। के को दीदी आते हैं? दो और दीदी आती है आते हैं। वो लोग कितना दिन पर आती है? रोज आती है? कहाँ के है वो? नाम पता लिख के इस चलाने में सक्षम नहीं है जो तो संकुल वाला को चला के दिया है। संचालन के लिए सर जो मदर यूनिट होता है, मदर यूनिट में जो पहले से जो पाल रहे थे, तो मदर यूनिट तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं, जीरो। जब ये अपना फॉर्म बनाए हुए है, पहले से ये कारोबारी है, पहले से ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए है, तो ये तो अपने मदर यूनिट चला सकती है, ये अपना हाउ टू अर्न कर सकती है। तो अपना कारोबारी बंद करके तू अपने ये में हिला दिया और जीविका को तू जोड़ रहा है, समझ रहा है? ये जो जीविका का पहले से बना हुआ घर है, दूसरा है कि ये पहले से मुर्गी पालन ये परिवार कर रहा है, इसका धंधा बंद कर दिया या बंद हो गया, तो बंद हो गया तो इसका धंधा चालू नहीं कराना चाहिए यार। तो ये मदर यूनिट बैठा दिया और मदर यूनिट बैठा करके ये सारा राशि का ठेला ये अपने कर रहा है। तुम्हारा जो ये बीपीएम है, जीविका के बीपीएम है, तो सारा पैसा रख करके तुम इसको दाना ला रहे हो, इसको और दवाई ला रहे हो, सब पैसा तुम लोग अपने खर्चा कर रहे हो। हम लोग नहीं कर रहे हैं, नाम लगा रहे हो कि जीविका के संकुल वाले संकुल वाला चल रहा है। अरे सब हम बूझ नहीं गए यार, 28 दिनों तक ये बच्चा फिर दे देना है इन लोगों को जो मेंबर है ना, वो लोग अपने घर पे पालेंगे। 28 दिन में जो छोटा छोटा बच्चा आता है ना, अभी तक ये जो मदर यूनिट है इसको चलाने के लिए ये जो दिया, इसको क्या मिला सो हमको बताओ। इसको जो है पाल लेगा सर, उसको जो है इसको 100 रुपए के हिसाब से रुपए का हिसाब से नहीं मिलेगा तो हमको तो खबर करना, इसका तो हम खैर नहीं रहे। क्या नंबर तुम होता है? नंबर लो, जमीन पर ही हो रहा है, जमीन पर सर यहाँ भ्रष्टाचार के चरम सीमा पार है। जीविका को इसको जोड़ ली, इसको दिखा रहा है ये जीविका जोड़ी हुई है जी। ये तो पहले से अपने कारोबार कर रहा है। हाँ, उसको हम मुनाफा मैं मार रहा हूँ। मधुबनी जिला के मधवापुर प्रखंड के बलवा पंचायत के बलवापुर गांव में जीविका के माध्यम से जो मदर यूनिट चल रहा है मुर्गी का, उसको देखने के लिए आए थे। यहाँ 3600 बच्चे, मुर्गी के बच्चे का लालन पालन हो रहा है और 28 दिन के बाद ये जब बड़ा हो जाएगा तब ये जीविका की दीदियों के बीच में वितरण किया जाएगा और इससे वो आमदनी अपनी बढ़ाएंगे। और यहाँ पर ये काम चल रहा है, काम तो अच्छा है, लेकिन जीविका के जो हमारे कर्मचारी हैं, जीविका के जो हमारे काम देख रहे हैं, उनके काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि जिसके फॉर्म में, जिसके मुर्गी फॉर्म में ये काम हो रहा है, उसको अभी तक एक छदाम नहीं मिला, 24 दिन हो गए। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए जीविका में लोग को जोड़ते हैं, जबकि ये पहले से धंधा कर रहे हैं। इसकी जांच भी कराऊंगा और जांच करके जो इसमें दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। जब इनका धंधा चल रहा था, इनका धंधा बंद करा दिया गया, यानी पहले से मुर्गी पालन ये कर रहे थे, तो इनका बंद कराना क्या उचित रहता है? दूसरा मदर यूनिट खोलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो पता चल रहा है अपने छानबीन से देखने से, इस पर हम सख्त कार्रवाई करें। इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।